नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। ये बात करते गोल्ड मूवी और सत्यमेव जयते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अपडेट को लेकर और उनके कंपैरिजन को लेकर, और साथ ही साथ पाँचवें दिन का प्रेडिक्शन भी मैं आपको इसमें दूंगा। दोस्तों मैं बता दूं कि गोल्ड और सत्यमेव जयते 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। गोल्ड 3000 स्क्रीन पर और सत्यमेव जयते 2500 स्क्रीन पर। सत्यमेव जयते के हीरो हैं जॉन अब्राहम और गोल्ड के हैं अक्षय कुमार। फर्स्ट टाइम जॉन अब्राहम किसी बड़ी मूवी के साथ टकरा रहे हैं और बराबर का कंपटीशन दे रहे हैं। दोस्तों देखते हैं गोल्ड मूवी ने पहले दिन कितना किया, सत्यमेव जयते ने। इसी तरह डे वाइज मैं आपको बताता रहूँगा। तो देख, डे वन गोल्ड मूवी ने 25.25 किया था और इस मूवी ने 18.50 सत्यमेव जयते ने किया था। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, मात्र 6-7 करोड़ का डिफरेंट था। दूसरे दिन 8 करोड़ और इस मूवी का आया था 7.5 करोड़, 50 लाख का डिफरेंट सत्यमेव जयते का। तीसरे दिन मूवी का जो कलेक्शन आया था 10 करोड़ था गोल्ड मूवी का और 9 करोड़ था सत्यमेव जयते का। तो एक बराबर की टक्कर 3 दिन तक था। लेकिन चौथे दिन जो अपडेट आया दोस्तों, अर्ली एस्टिमेट जो बॉक्स ऑफिस इंडिया से आया है उसमें गोल्ड मूवी ने ग्रोथ दिखाया है तीसरे दिन के कलेक्शन के कंपेरिजन में। गोल्ड मूवी का 12 करोड़ दिखा रहा है और यहाँ सत्यमेव जयते का ग्रोथ, हल्का ग्रोथ हुआ है जो 8 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से 4 दिन का टोटल 55 करोड़ हो जाता है गोल्ड मूवी का। और इनका जो सत्यमेव जयते का जो टोटल था वो 36 था 3 दिन का। तो 4 दिन का अगर मिलाते 8 करोड़ तो 44 CR का कलेक्शन अभी तक इनका हुआ है दोनों मूवी का। उनका 55, इनका 44, 11 करोड़ का डिफरेंट है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है पांचवें दिन गोल्ड मूवी करेगी 15 करोड़ और सत्यमेव जयते पांचवें दिन करेगी 10 करोड़ से 11 करोड़ के बीच में। अगर ऐसा होता है तो सत्यमेव जयते का टोटल 5 दिन का हो जाएगा 54 CR और गोल्ड मूवी का 5 दिन का टोटल हो जाएगा 60 करोड़। मैंने दोनों मूवी का 5 दिन का प्रेडिक्शन दे दिया है, गोल्ड का 15 और सत्यमेव जयते का 10 से 11 करोड़। आपको कैसा लगता है ये इन्फॉर्मेशन? तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।